केरल में भारी बारिश का कहर जारी है। एर्नाकुलम, त्रिशूर, पतनमतिट्टा, मलप्पुरम इन जिलों में बीती रात जोरदार बारिश हुई। इस कारण कई घरों में पानी भर गया। मलप्पुरम और कोड़िकोड को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें जल भराव के कारण बंद हैं। केरल में बाढ़ से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को बारिश से संबंधित अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आज सुबह 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। बाढ़ प्रभावित कई इलाकों को रातों रात सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। इस बीच कोच्चि हाईवे अड्डे पर 11 अगस्त 3 बजे तक सभी विमानों का परिचालन रोक दिया गया है। मौसम विभाग ने केरल के इडुक्की, मलप्पुरम, कोड़िकोड में बारिश का रेड अलर्ट, जबकि त्रिशूर, पालाकाड, वायनाड, कन्नूर और कासरकोड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार रात को कहा था कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वायनाड में भीषण बाढ़ की त्रासदी देखने को मिल रही है। रात में भारी बारिश और अंधेरे के चलते बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। मलप्पुरम और इडुक्की इलाकों में भारी बारिश हो रही है। सरकार लोगों तक खाद्य पदार्थ पहुंचाने की हर भरसक कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना घर छोड़कर बाहर नहीं आना चाहते हैं। उन्हें हर हाल में बाहर आना होगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट्स। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।